पूछो फटाफट बताओ, सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में, कैसे बनते हैं सोप एंड डिटर्जेंट? इसमें बोलते तो ऐसा है, इट इज फॉर्म बाय एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल में आते हैं इसके, सो बताओ कैसे क्या होते हैं। साबुन का फॉर्मूला बताओ जल्दी से, बता चुका हूं ना पहले। साबुन बेटा, वॉइस आ रही है ना? आ रही है। बताओ जल्दी से, कौन बताएगा? कल्पना, साबुन क्या होता है? हाँ कल्पना बताओ, साबुन क्या होता है? बेटा टाइम पास नहीं करना, जल्दी से बोलो नहीं तो मैं आगे बताता हूँ। किसे कहते हैं साबुन? हाँ ना, कुछ आइडिया हो माइंड में? बेटा आपकी वॉइस तो आ नहीं रही, चलो फिर मैं ही बता देता हूँ। तो देखो, जो सोप होता है, साबुन जिसे हम बोलते हैं, ये मिल जो बनते हैं फैटी एसिड प्लस बेस, इससे मिलकर बनता है। जो फैटी एसिड होता है, ये होती है लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो मैंने आपको पहले ऑलरेडी डिस्कस किया था, वो होती है, यानी कि एटलीस्ट 14 कार्बन एटम मस्ट बी प्रेजेंट इन द चेन। चेन के अंदर 14 कार्बन होते ही होते हैं। अब मैं नेक्स्ट बात करूं तो नेक्स्ट क्या है, तो वो देखो गया। जैसे फैटी एसिड, इसके अंदर बेस मिला दिया NaOH, ये केवीएच मिला सकते हैं, इसको हम बोलते हैं कास्टिक सोडा। ये हमने इसके मिला दिया, इसके बाद जो बनेगा वो क्या होगा? अब यहां पर Na आ जाएगा, जिसे नेगेटिव लिक्विड पॉजिटिव, यानी कि एसिड के अंदर बेस मिलाएंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। ये सॉल्ट बन गया, प्लस में से H2 लिखो तो लिखो, ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हो जाएगा। तो देखो जरा, अब हमें करना क्या है, वो बात ये है, ये जो पार्ट है यहां से यहां तक, इसे हम बोलते हैं नॉन पोलर टेल। ये नॉन पोलर टेल है, जो ये है दिस इज पोलर है, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। बच्चों हाइड्रोफोबिक क्या होता है? हाँ वाटर हेटर गुड, और ये होता है हाइड्रोफिलिक, जो पागल कुत्ते वाली स्टोरी बताई थी। ये नोट करो जल्दी से, ये होता है आपके पास सोप की कहानी। फिर मैं आपको मिसल्स के बारे में बताता हूँ, फिर डिटर्जेंट के बारे में बताऊं, ये नोट करो।
करो फटाफट। हो गया तो हैंड रेस कर देना। नहीं सर हो गया। कल्पना चौधरी हो गया। चलो हम नेक्स्ट बात करते हैं। चलो बच्चों अब जो इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है वो ये है, जो ये साबुन है ये डिजोल्व क्यों नहीं हो पाते हार्ड वाटर के अंदर, यानी ये सॉफ्ट वाटर में ही होते हैं ना। चलो पहले मिसल से बात करता हूँ फिर ये हार्ड वाटर का आ जाता हूँ, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है मिसल्स फॉर्मेशन। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों नेक्स्ट आते हैं मिसल फॉर्मेशन, डबल एस आर, ठीक है। मिसल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? झाग बनाना। झाग कब बनती है? जब क्या हो, आपको कुछ ऐसा दिया होगा इस टाइप से, ऐसे झाग बनते। यानी कि ये जो पूरे पोर्शन है ये सारे क्या है? नॉन पोलर। और ये आउटर वाले क्या है? पोलर। यानी ये हेड और ये क्या है? टेल। यानी कि जो नॉन पोलर एक तरफ हो जाए पोलर दूसरी तरफ, वैसे झाग बनते। अब जब मैं मिसल फॉर्मेशन की बात करता हूं, इसमें एक चीज आती है सीएमसी। एक चीज आती है बच्चों सीएमसी। सीएमसी का मतलब होता क्रिटिकल मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन ठीक है, कंसेंट्रेशन, ये होती है आपकी फुल फॉर्म सीएमसी की। इसका मतलब होता है मिनिमम कंसंट्रेशन, मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ रिक्वायर्ड फॉर्मेशन। यानी मिसल बनाने के लिए कितनी हमें कंसंट्रेशन चाहिए होगी सॉक की, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। एक और टर्म आएगी बच्चे आपके, वो आएगा अगली क्राफ्ट टेम्परेचर। जो क्राफ्ट टेम्परेचर है बच्चों ये क्या होता है? क्राफ्ट टेम्परेचर का मतलब होता है कि एट दैट टेम्परेचर द
एट दैट टेम्परेचर देयर मिसल स्टार्ट टू फॉर्म. इस टेम्परेचर पर मिसल्स बनना स्टार्ट हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर. ये होते हैं, इसके बाद एक आता है वाई. सो नॉट फॉर्म हार्ड वाटर मिसल क्यों नहीं बनाता, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? इसका आंसर आएगा बहुत सिंपल सा, ज्यादा मुश्किल है वो ये है, ये हमारा हमारा 3010, ये जो बना हमारे पास लाइक मैग्नीशियम के साथ हो या कैल्शियम के साथ हो फर्क नहीं पड़ता, ये हो या यहाँ पर कैल्शियम, ये क्या होता है, दिस इज प्रेसिपिटेट, यानी कि दिस इज इनसोल्युबल. ये वाटर में इनसोल्युबल होते हैं, एक क्रिस्टल बना देता है, प्रेसिपिटेट बन जाते हैं. जैसे कभी आपने देखा हो, अगर आपका समर्सिबल या ट्यूबल का पानी है उसके अंदर साबुन डालो, वो झाग नहीं बनाएगा, ऐसे लगे जैसे जब दूध फटता है, तो दूध फटता है तो उसमें क्या निकलते हैं, जैसे व्हाइट व्हाइट से हल्के हल्के पार्टिकल नहीं होते अलग अलग, जैसे दूध फटने पे होते हैं, बाद में उसे इकट्ठा करके पनीर बनाते हैं, तो वैसे आपको बनते हैं, जिसे हम कहते हैं साबुन फट गया, यानी कि वो ये प्रेसिपिटेट होते हैं. ये नोट करो, फिर आगे चलते हैं. हो गया गुड. चलो बच्चे अब हम आगे बात कर लेते हैं. तो बच्चे अब आ जाते हैं हमारे पास डिटर्जेंट की कहानी. जो डिटर्जेंट है तो देखो डिटर्जेंट में क्या होगा, सेम वही चीज होगी, सी एच थ्री
ये वही कार्बन बढ़ते जाएंगे यहाँ पर बच्चों, एक बेंजीन रिंग लग जाती है ठीक है, ताकि नॉन वोलेटाइल बढ़ जाए। प्लस क्या होता है यहाँ पर? सल्फर हो जाता है, ये हो जाता है, इसे हम बोलते हैं डिटर्जेंट। दिख तो रहा होगा ना सभी को, मैं लाइट पिछली ऑफ कर दूं। अब भी वही है, ठीक है। ये है जो आपको नजर आ रही होता है डिटर्जेंट, ठीक है। अब इसमें नॉन पोलैरिटी बढ़ गई और इसमें ये बढ़ गया, जो ये होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्योंकि इसके पास क्या हो गई, ये यानी बेंजीन, इस वजह से क्या हो जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। समझ में आ गया, और सारे बायोडिग्रेडेबल होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं बेंजीन रिंग की वजह से। अब इसका जो ये बनेगा, मान लो ये भी क्या होता है, एक फॉर्म एक्स मिसल इन हार्ड वाटर। क्योंकि ये क्या होते हैं, इसके जो कैल्शियम मैग्नीशियम होते हैं ना, वो सोल्युबल होते हैं, यानी कि एक्स फॉर्म सोल्युबल कॉम्प्लेक्स हुई। It's from soluble complex with इसके साथ बनाएगा कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इनके साथ ही सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ये होती है इसकी स्टोरी। अब आ जाता है आपके पास एक मैकेनिज्म ऑफ क्लीजिंग एक्शन। कि हम क्लीजिंग कैसे करेंगे, तो क्लीजिंग का समझो तो बहुत सिंपल सा है, ज्यादा कुछ है ही नहीं, वो ये है। अरे हाँ याद आया, ये बताओ मंडे को तुम्हारा टेस्ट रख ले। हाँ बच्चों, कौन से चैप्टर का सर? मंडे को तुम्हारे कितने चैप्टर हो गए उसका? ए वो टेस्ट नहीं हुआ ना तुम्हारा, क्या नाम है वो केमिकल काइनेटिक्स, उसका भी नहीं हुआ, इलेक्ट्रो का भी नहीं हुआ, तो एक चैप्टर का रख देते हैं। बताओ केमिकल काइनेटिक्स है इलेक्ट्रो सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट का हो नहीं गया केमिकल बेटा? शुक्रिया, दोबारा बोलो, बस आपने केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स का आपका मंडे को टेस्ट होगा, तैयारी करके आना, टेस्ट आपका मधु सर ने नहीं किया सर, उसकी नहीं किया, आपने नहीं किया, नहीं किया सर। अच्छा आपने नहीं किया, मैंने ग्रुप में सारे वीडियो भी बनाकर भेजे हुए हैं केमिकल काइनेटिक्स के, ठीक है, एक से लेकर आखिरी चैप्टर तक सारी वीडियो है, आखिरी टॉपिक। चाहे आप मेरे को मैसेज भेज देना, मैं आपको सारे लिंक सेंड कर दूंगा, या आप चाहे साथ वालों से भी ले सकते हो, आप वो सारे लिंक देख लेना, आपका प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। और बताओ, हमने पूरा जुगाड़ किया, जो क्लास नहीं लगा था उसका भी जुगाड़, और कोई प्रॉब्लम? तो देखो अब यहां मैं बात करूं मैकेनिज्म ऑफ क्लीजिंग एक्शन, इसमें क्या होता है। अब बच्चे एक बात बताओ, मान लो कहीं दाग लग गया, तो दाग क्या है बेटा? दाग क्या है, पोलर या नॉन पोलर? नॉन पोलर। हाँ दाग है नॉन पोलर, जैसे अगर कोई ग्रेवी लग गई तो हम अक्सर क्या करते हैं, पहले पानी डालते हैं, पानी डाल के कम हो जाए, बट उसका कलर थोड़ा सा कम हो जाता है। जो कम हुआ वो क्या था, पोलर, जो कम नहीं हुआ वो क्या है, नॉन पोलर। अब हमें नॉन पोलर को हटाना है, तो हमें क्या चाहिए, नॉन पोलर ही चाहिए, यानी कि लाइक डिजोल्व लाइक। अब हमें नॉन पोलर ही चाहिए जो उसको आगे
हटा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो देखो हमें क्या करना है, मान लो ये है कोई, यहाँ पर डर्ट लगा, मान लो कोई भी ग्रीस लगे लाइक डर्ट, ये डर्ट लग गया, अब हमें इसको क्लीन करना है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, ये अब यहाँ पर हमने साबुन डाला तो क्या बनेगी, यहाँ पर ये झाग बनेगी, यानी नॉन पोलर इसके पास आएगा। इसके बाद जो अगला स्टेप रहेगा, अब ये अपने अंदर इसको डिजोल्व कर देगा, यानी इसने अपने अंदर इसको डिजोल्व कर दिया, यानी अब हमने क्या किया इसके अंदर वाटर डाल दिया, वाटर डाल दिया तो ये क्लीन हो जाएगा, प्लस यहाँ पर जो झाग बनी रहेगी ये निकल के बाहर आ जाएगा, तो साबुन अपना एक तरफ, ये मतलब साबुन अपना एक तरफ निकल आया झाग, जैसे कपड़े आप अछालते हो तो साबुन निकल आता है ना, तो ये क्या हो गया क्लीन हो गया। दिस इज ये होता है आपका मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन। ये नॉकर, इसके बाद बच्चों पहले नोट कर लो फिर बात करिए। हो गया, तो बच्चे जो अब नेक्स्ट टॉपिक बचता है हमारा वो है प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, यानी कि वो इस पार्ट का आखिरी है हमारे पास प्रिपरेशन। प्रिपरेशन के बाद जो बचेगा छोटा सा, वो बचेगी हमारे पास छोटी सी प्रॉपर्टी लाइक उसकी प्यूरिफिकेशन कोलोइडल की होगी, और मैक्सिमम चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बच्चे जो अगला टॉपिक है